everyone, welcome to Study IAS. Good morning to all of you guys. Kaise hain aap sabhi? Good morning to everyone. So let's start our studies. That's study time actually. So karte hain hum question answers ki starting, jo ki aapke daily basis pe current affair ke questions hote hain, jo ki series aapki bilkul regular hai. That we are doing here. Good morning everyone. Good morning Vivek. So इस स्टडी टाइम जो करते हैं आपकी स्टडी को स्टार्ट, जो कि आपकी प्रीलिम्स 21 के लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, करते हैं इसकी शुरुआत. सो गाइस, देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज गोइंग ऑन फॉर यू ऑल ऑन द अनअकैडमी इन द 21, 22 और 23 एस्पिरेंट्स के लिए. दैट इज गोइंग ऑन फ्रॉम द 17th ऑनवर्ड, 17 मार्च ऑनवर्ड से ये बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे. न्यू ईयर बैच कोर्स लॉन्च हो रहे हैं फॉर द 22 एस्पिरेंट्स फ्रॉम द 17th मार्च ऑनवर्ड्स. आपको जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा बाय द मरुणाल सर, हिमा मैम, सुदर्शन सर, प्रतीक सर और बाकी सब टीचर्स के साथ आतिश सर, ये सब जो है वो आपको कवर कराएंगे. डाउट सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल बी देयर. ओके, वन ईयर बैचेस आर आल्सो अवेलेबल फॉर द 22 एस्पिरेंट इन द इंग्लिश और इंग्लिश, बोथ आर लैंग्वेजेस आर अवेलेबल. तो आपके लिए लैंग्वेज का कोई इशू नहीं रहेगा. ओके, सो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी. इन सब के बैचेस में एनरोल कराने के लिए आपको सिर्फ इतना लेना होगा कि आपको प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है आप कोई भी ले सकते हो, वट एवर सूट्स टू यू ऑल, आप वो भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अगर आपको बेनिफिट चाहिए सो कॉम्बो ऑफर इज ऑल्सो देयर. कॉम्बो के साथ साथ अगर आप स्टडी आईएएस कोड यूज करेंगे तो अलग से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. अगर आप स्टडी आईएएस का कोड यूज करते हैं तो ये रेफरल कोड वहां अप्लाई कर देना, यू विल गेट अ 10% ऑफ. ओके, सो ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट इज गोइंग ऑन जिसमें आप 4 करोड़ की स्कॉलरशिप जीत सकते हो. हर संडे सुबह 11 बजे होता है. सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है फॉर यू ऑल कि आप लोग इसके अंदर एनरोल जल्दी से कराए एंड अप्लाई करें स्टडी आईएएस कोड. इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. गुड मॉर्निंग विवेक, रिशा, अर्शना, दीपांशु, गुड मॉर्निंग. आई एम ऑडिबल प्रॉपरली? ऑडिबल सबको अच्छे से है, बताइए एक बार, जस्ट लेट मी नो वंस. सो करते हैं अपने सेशन की शुरुआत जो कि होने वाला है बहुत ही सुपर, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं प्रीलिम्स 21 के लिए. गाइस, ये है मेरी प्रोफाइल, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. आप जैसे ही अंकिता जनरल सर्च करेंगे यू गेट मी देयर एंड वहां पर हर क्लास की अपडेट और हर क्लास आपको प्रॉपर मैनर में जो है वो मिल जाएगी. ओके, लास्ट जो क्लासेज है वो भी आपको मिल जाएंगी. गुड मॉर्निंग अंकित, आई एम ऑडिबल प्रॉपरली एवरीवन? ऑडिबल है सबको अच्छे से? ओके डन. सो लेट्स क्रैक इट. करते हैं सेशन की शुरुआत. आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू बैन द बुरखा और द फेस वेल, यानी कि चेहरा छुपाना या जो बुरखा है उसको बैन किस कंट्री ने फिलहाल किया है? ऑडियो इकोइंग है. ओके, सो आई एम जस्ट, ज्यादा इको है क्या? इट्स मेकिंग नॉइस. बताइए एक बार. ओके, योर ऑप्शंस आर इंडिया, इराक, बांग्लादेश और श्रीलंका. और साथ साथ ये बताइए कौन से आर्टिकल्स का वॉयलेशन है आपकी इंडिया की कंट्री के हिसाब से. इट्स अ वॉयलेशन ऑफ विच आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स? यस, दैट इज श्रीलंका. श्रीलंका इज द राइट आंसर. जब बुरखा बैन हुआ है इंडिया श्रीलंका के अंदर हुआ है, उन्होंने बोला कि हम नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे बुरखा जो है वो बैन कर रहे हैं और ये चीज जो है वो नहीं यहाँ पर पहनी जाएगी. ठीक है, सो नहीं पहनी जाएगी. सो यही बोला है, श्रीलंका विल सून बैन द बुरखा और फेस वेल, कैबिनेट मिनिस्टर ने बात की है. मिनिस्टर के हिसाब से बुरखा अफेक्ट कर देता है उनकी सिक्योरिटी को, जो कि सिंबल होता है ऑफ द रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म. एंड फॉलोइंग द इस्लामिक स्टेट इंस्पायर्ड ईस्टर टेरर बॉम्बिंग्स अप्रैल 2019 के अंदर एट्रीब्यूट किया गया था टू ए लोकल इस्लामिक रेडिकल नेटवर्क. ठीक है, तो तब भी जो है टेम्परेरीली श्रीलंका ने फेस वेल को यूजिंग द एमरजेंसी लॉज जो है वो बैन कर दिया था. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द वायनाड वैली सेंचुरी इज, वो आर्टिकल आपके यहाँ पर आर्टिकल 25 से लेके 28 तक जो है वो बैन करता है.
ओके, क्योंकि मतलब बैन नहीं, मीन्स यू कैन से कि उस चीज को हार्म करता है, वायलेशन करता है, कि रिलीजन को हर कोई नहीं फेवर कर सकता और वो सारी चीजें। नेक्स्ट आता है, द वायनाड वाइल्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला या तमिलनाडु। सो डू इट प्रॉपरली, प्रॉपरली सब आंसर करिए, गिव द राइट आंसर, बताओ जल्दी एवरीवन। एवरीवन सेज द राइट आंसर, ओके यू आर सेइंग केरला और डी तमिलनाडु। चलिए इस राइट आंसर इज केरला, एक्चुअली नॉट द तमिलनाडु। वायनाड वाइल्ड सेंचुरी जो है आपकी केरला के अंदर है। क्या कोई ये बताएगा कि ये कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? एनीवन टेल्स अबाउट इट, कि ये कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? इट्स अ पार्ट ऑफ विच बायोस्फीयर रिजर्व, बताइए। वायनाड वाइल्ड सेंचुरी इज अ पार्ट ऑफ विच बायोस्फीयर रिजर्व? नीलगिरी, हाँ यस, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, उसी का ही हिस्सा है एक वायनाड वाइल्ड सेंचुरी। नीलगिरी आपका जो स्प्रेड होता है तीन स्टेट के अंदर, एक होता है आपका तमिलनाडु, एक होता है आपका केरला और एक होता है आपका कर्नाटका, ठीक है? हाँ जी, फिलहाल ये न्यूज में इसीलिए आया था क्योंकि ग्रेगोरियस फ्लावर और बेम्बू जो है वो पाए गए थे इनसाइड द वाइल्ड लाइफ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, जो कि थ्रेट है एक वाइल्ड लाइफ के लिए। वहाँ की जो पर्टिकुलर स्पीसीज है या माइग्रेटरी जो स्पीसीज है, मेजर टाइगर है, एलिफेंट है, हैबिटेट है, उन सबके लिए वो जो है बहुत एक खतरा बनने वाली बात है, क्योंकि ये जो बैम्बूज हैं वो बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा हो गए हैं। और इनकी खास बात क्या होती है इन फ्लावरिंग बैम्बू की, ये बैम्बू ना सबकी एक ही साइज होते हैं, मीन्स सभी बैम्बू एक ही साथ उगते हैं, एक ही साथ ग्रो करते हैं। कभी नॉर्मली पेड़ हम देखें, ट्रीज हम देखें, तो एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, बट दीज आर ऑल इक्वल, ऑल इक्वल। सो दिस इज वेरी बिग प्रॉब्लम और ये आने वाले समय में भी खतरनाक हो सकता है, और अब तो है ही खैर। स्पीसीज ऑफ क्लम्पिंग बैम्बू नेटिव टू सदर्न एशिया, टॉल ब्राइट ग्रीन कलर स्पाइनी बैम्बू स्पीसीज विच ग्रो इन थिकेस्ट कोस्ट लार्ज नंबर ऑफ हेवीली ब्रांच स्लोली कम्स, ठीक है? ओके, क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है, शो योर प्रेजेंस वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आई एम गुड विश्वजीत, आई एम गुड, आप लोग बताओ, जस्ट टेल मी कि कौन कौन प्रेजेंट है, हु इज प्रेजेंट इन द सेशन, प्रेजेंट शो कीजिए। द एक्ट मैंडेट that the character of all the religious places of worship should be maintained as it was on the August 15, 1947, ठीक है? कि एक्ट ने ये चीज बोली है कि अधिनियम में ये आदेश दिया गया है कि सभी जो धार्मिक पूजा स्थलों के चरित्र को बनाए रखा जाना चाहिए, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को था। दूसरा कह रहा है कि दिस इफेक्टली बैड कोर्ट फ्रॉम एंटरटेनिंग केसेस विच रेज डिस्प्यूट ओवर प्लेसेज ऑफ वर्शिप विच एग्जिस्टेड एज ऑफ 15 अगस्त 1947। सो रीड इट फ्रॉम यर, कि अदालत को ये उन मामलों से रोकने की बात कर रहा है जो 15 अगस्त 1947 के रूप में अस्तित्व में पूजा के स्थानों पर विवाद उठाते हैं। सो गिव द राइट आंसर, एक्चुअली व्हाट इज वांट टू टेल, क्या सही जवाब होना चाहिए गाइस? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये जो हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं उसमें मैंने आपको ये सारा पढ़ाया हुआ है कि क्या चीज था क्या नहीं था, ठीक है? सो बताइए बी और सी, एनी अदर, एनी अदर, ओके। चलिए इस राइट आंसर इज सी, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। एक्ट ने यही बोला है कि जो रिलीजियस जो प्लेसेस है वर्शिप के वो मेंटेन होने चाहिए, जैसे कि 15 अगस्त 1947 वाले थे, ठीक है? और कोर्ट भी, कोई भी कोर्ट, रिमेम्बर द थिंग, कोई भी कोर्ट, ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ना ही कुछ और, ठीक है, कोई भी कोर्ट इससे रिलेटेड जो प्रोसीडिंग है उस पर केस नहीं हायर करेगा, कोई भी केस सुनवाई नहीं होगी रिलेटेड टू द प्लेसेज ऑफ द वर्शिप, ठीक है? ये बैड हो गया है, बैड कर दिया है कोर्ट को, यानी कि मना कर दिया गया है। इनवोकिंग द एग्जेम्पशन
गुड मॉर्निंग अश्वनी, आई एम गुड, आप बताओ आप कैसे हो, आपकी तैयारी कैसी है? हाँ जी, उसी की वजह से इस चीज को लेकर आया गया है। व्हाइल इनवोकिंग दिस एग्जेम्पशन, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 की अयोध्या वर्डिक्ट में रीअफॉर्म किया था कि ऐसे कुछ भी केसेस होंगे तो उनको हम एंटरटेन नहीं करेंगे विद द रिलेटेड टू द साइट, साइट से रिलेटेड जो है वो हम नहीं एंटरटेन करेंगे। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन। जो पीपल आर एन एथनिक ग्रुप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, जो पीपल हैं वो एक एथनिक ग्रुप हैं, लेकिन वो कौन सी कंट्री के हैं? एथनिक ग्रुप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका। सो ऑप्शन है आपके पास वन, वन एंड टू, टू एंड थ्री या फिर वन टू थ्री। बताइए, डू लाइक दिस क्लास, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द वन एंड ओनली चैनल दैट इज स्टडी आईएएस। जल्दी बताओ। हाँ बी, वन एंड टू। ओके डन, एनी अदर, एनी अदर? चलिए, इस राइट आंसर इज, इस राइट आंसर इज बी। बिल्कुल सही हो आप लोग, बी इज द राइट आंसर। जो दोनों हैं वो बिल्कुल सही हैं। जो मिजोरम है, अपने इंडिया में अगर हम देखें तो जो पीपल जो है वो मिजोरम के अंदर मिला करते हैं, ठीक है। मिजोरम बेस्ड ग्रुप रिप्रेजेंटिंग द जो इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार, और क्वेश्चन में मेंशन था इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, तो ये चीज गलत होगी, इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार में होता तो डी आंसर हो जाता, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। ओके, दीज फोर स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम ने शेयर करते हैं बॉर्डर विद द म्यांमार एंड पीपल ऑन ईदर साइड आर एथनिकली रिलेटेड। जो पीपल एथनिक ग्रुप है इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार का, और एंसेस्टर जो से नाम का, जो है इनका नाम पड़ा है चीन, और जोमी इनके ग्रुप के नाम है। नेक्स्ट है द टर्म वन कंट्री वन सिस्टम, टू सिस्टम, वन कंट्री टू सिस्टम मॉडल इज समटाइम मेंशन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये बताना है कि वन कंट्री और टू सिस्टम, ये जो चीज है वो किस चीज से रिलेट करा करती है, किस चीज से रिलेट है? यमन से, पाकिस्तान से, ईरान से, हांगकॉन्ग से? सो दीजिए आंसर, व्हाट कैन बी द राइट आंसर, डू फास्ट, प्रेजेंट शो कीजिए। एक देश दो मॉडल कहां पर बात की जा रही है? बी ए और डी? ओके, बी ए और डी, एनी अदर, एनी अदर? चाइना, अरे चाइना, ओके ओके। एवरीवन टेल्स की वन कंट्री टू सिस्टम की बात कहां पे चल रही है? इज द हांगकॉन्ग इज द राइट आंसर, हांगकॉन्ग इज द राइट आंसर, नॉट द येमेन और। तो हांगकॉन्ग आपका सही जवाब हो जाता है। वन कंट्री टू सिस्टम का जो मॉडल है कहाँ पर आता है? हांगकॉन्ग में। ओके, अब मुझे एक बात ये बता दीजिए कि जो हांगकॉन्ग है, हांगकॉन्ग है, उसकी लोकेशन के हिसाब से क्या ये ईस्ट चाइना सी में लोकेट करता है या साउथ चाइना सी में है? सोचिए मैप कहाँ है, हमने कवर किया हुआ है, साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी, वेयर इट इज लोकेटेड, वेयर इट इज, बताओ जल्दी एवरीवन। सो वन कंट्री टू सिस्टम मॉडल इज बेसिक ऑफ द नेशन पीपल कांग्रेस, जो चाइना की है, उनका ये टॉपिक है। सेरेमोनियल लेजिस्लेचर इन बीजिंग ऑन 11 मार्च को उन्होंने अप्रूव किया और नाम दिया ए डिसीजन ऑन इम्प्रूविंग हांगकांग इलेक्टोरल सिस्टम। एनपीसी ने अमेंडमेंट किया, एसेंशियली गिव्स द बीजिंग अपॉइंटेड पॉलिटिशियन ग्रेटर पावर इन द रनिंग एचकेएसआर पॉलिटिक्स। ओके एवरीवन, बताओ कि वो लोकेटेड कहाँ पर है, साउथ चाइना सी में या आपके ईस्ट चाइना सी में? ओके, कोई बात नहीं अश्वनी, इट्स हैपनिंग, अभी चेंजिंग ऑफ है वेदर, तो इस वजह से डोंट वरी, यू जस्ट टेक रेस्ट, आप रीडिंग मत करो,
रीडिंग मत करो, यू कैन स्किप रीडिंग बिकॉज आई स्पीड पैक पड़ता है उस टाइम पे. यू कैन जस्ट लिसन द वीडियो, जस्ट लिसन द क्वेश्चन आंसर्स एंड थिंक इन द माइंड. ओके, वो आप कर सकते हो. विद रेफरेंस टू द सी हाँ, दैट आंसर इज द साउथ चाइना सी. साउथ चाइना सी, जैसे मान लो ये आपका क्या है, चाइना है, तो यहाँ पर आपका जो है हांगकांग लाई करता है, साथ ही साथ इधर आपका दूसरी वियतनाम वगैरह है, इस तरह आप देखते हैं तो हांगकांग जो है वो आ जाता है. फाइन, चलो. विद रेफरेंस टू द सी बकथोन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट कौन सी सही हो जाती है? इट इज ए श्रब विच प्रोड्यूस एन ऑरेंज येलो कलर्ड एडिबल बेरी. कि क्या ये कोई एक ऐसी झाड़ी है जो नारंगी और पीले रंग की खाद्य बेरी पैदा करती है? इट हैज बीन वाइडली यूज फॉर ट्रीटिंग स्टमक हर्ट और स्किन प्रॉब्लम्स. कि क्या ये स्टमक हर्ट और स्किन प्रॉब्लम को यूज करने के लिए होती है, ट्रीट करने के लिए होती है? वट इट इज एक्चुअली, बताओ जल्दी से. डू फास्ट, विदाउट रेस्ट में कोई भी नहीं होगा. ए और सी यू आर सेइंग. ओके, सी बकथोन. व्हाट कैन बी द राइट आंसर? गिव द राइट वन. ए और सी. चलिए, इस राइट आंसर इज ए ओनली. ए ही सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सबसे स्टमक वगैरह की प्रॉब्लम से होती है. हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने डिसाइड किया है स्टार्ट करना कि वो सी बकथोन जो है प्लांट करेगी कोल्ड डेजर्ट एरिया में. इस साल जो कोल्ड डेजर्ट एरिया है, कोल्ड डेजर्ट में एक नेशनल पार्क है, कोई बताएगा नेशनल पार्क का नाम बताइए. सी बकथोन श्रब है जो कि ऑरेंज और येलो कलर की एडिबल बेरी को प्रोड्यूस करा करता है. इट हैज बीन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग स्टमक हर्ट और स्किन प्रॉब्लम्स. इट्स रूट एंड लीव्स आर रिच इन विटामिन्स, कैरोटीनॉइड्स एंड ओमेगा फैटी एसिड्स. सो एक सेकेंड, हर्ट और स्किन प्रॉब्लम्स व्हाइल यूज फॉर ट्रीटिंग द करेक्ट आंसर. इट्स राइट आंसर इज सी. ओके गाइज, सी इज द राइट आंसर. ओके, सो बोथ आर ट्रू. ये स्टमक और से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है. यस हेमंत, यू आर राइट. एंड हाँ, कोल्ड डेजर्ट के अंदर नेशनल पार्क कौन सा है? इट्स रूट एंड लीव्स आर रिच इन द विटामिन्स, कैरोटीनॉइड्स एंड ओमेगा फैटी एसिड्स. सी बकथोन की कमर्शियल वैल्यू भी होती है. इट इज यूज इन मेकिंग जूस, जैम, न्यूट्रिशनल और वो सब चीजें. फाइन, नेक्स्ट आता है आपके सामने. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 81 बॉन्ड्स. उसका आंसर है गाइज पिन वैली नेशनल पार्क. याद करो, जब मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व याद कराए थे तब बताया था कि पिन जो है वो नीचे पड़ गई है और स्नो के कारण हमें दिखाई नहीं दे रही. याद आया? सो दैट इज अ पिन वैली नेशनल पार्क. ओके, हाँ जी, एक सेकेंड. ओहो, या आई एम सॉरी, ए इज वन एंड टू ओनली, तो यही पे मुझसे ही मिस्टेक हो गई. आई ऑल्दो सेड इट वंस, बट ए वन एंड टू इज द राइट आंसर. चलिए, गुड मॉर्निंग रमापति, गुड मॉर्निंग. चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 बॉन्ड से रिलेटेड. 81 बॉन्ड स्टैंड फॉर एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स. कि क्या ये एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स के जो रिलेटेड है उसे बात करता है. दीज आर सिक्योर्ड बॉन्ड विच हैव अ मेच्योरिटी डेट. कि क्या ये सिक्योर्ड बॉन्ड्स है जिसकी कुछ ना कुछ मेच्योरिटी डेट है. यू हैव टू टेल द इनकरेक्ट आंसर. ओनली वन इज देयर, ओनली टू इज देयर, बोथ विल बी द रॉन्ग एंड द नीदर नन ऑफ द अबव. ओके, सो बताइए व्हाट कैन बी द राइट आंसर अबाउट द 81 बॉन्ड्स. Incorrect. You have to tell the incorrect. I am giving you focus. Batao everyone. Okay, you are saying C. Very good. D means neither. Okay, fine. Any other? Chaliye. 81 बॉन्ड्स का सही जवाब आपका बी होने वाला है, बिकॉज जो आपका सेकंड है वो गलत है. सिक्योर बॉन्ड विच हैव अ मैच्योरिटी डेट, वो चीज जो है वो गलत है. लेट्स सी व्हाट इज एक्चुअली इट इज.
सेबी ने स्लैब किया है रिस्ट्रिक्शन ऑन द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स. सेबी ने मना कर दिया एक तरीके से, म्यूचुअल फंड के अंदर और ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, स्पेशल एडिशनल जो टीयर वन के बॉन्ड्स रहेंगे उनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होंगी. 81 मीन्स द टीयर वन बॉन्ड्स. दीज आर अनसिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं जिनका परपेचुअल टेन्योर होता है, अदर वर्ड इनकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती. और क्वेश्चन में मेंशन था कि हाँ इनकी मेच्योरिटी डेट जो है वो होती है. मेच्योरिटी डेट का मतलब है कि उस दिन ये बॉन्ड जो है वो क्या हो जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं, ठीक है, पे ऑफ हो जाते हैं. दे हैव कॉल ऑप्शन विच कैन बी यूज बाय द बैंक्स टू बाय दीज बॉन्ड्स बैक फ्रॉम द इन्वेस्टर. ये बॉन्ड्स टिपिकली यूज होते हैं बैंक्स के द्वारा टू बोल्स्टर देयर कोर और द टीयर वन कैपिटल. ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन. तो ये बताइए अभी तक के सब क्वेश्चन सबको क्लियर है प्रॉपरली? गिव द राइट थम्स अप दीजिए कि आपको प्रॉपरली सभी क्वेश्चन ओके हैं. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अनाउंस किया है दैट इट विल सेट अप ए ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन वेयर. वेयर कहाँ पे, कहाँ पे किया है वो आपने बताना है. फाइन, अभी क्वेश्चन तो ये आया है ना कि WHO ने कहा है कि वो सेटअप करेंगे ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन. उसके लिए फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल और इंडिया कहाँ पर जो है इस चीज को एस्टैब्लिश करने की बात की गई है बताइए. Where they are talking about to establish a global center for traditional medicines? India. Okay. Any other? चलिए, इट्स राइट आंसर इज दी इंडिया. आपके ही देश के अंदर जो है WHO एस्टैब्लिश करेगा, अनाउंस किया है दैट इट विल सेट अप ए ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया. ये नया सेंटर जो है वो हेल्प करेगा WHO को टारगेट को पूरा करने के लिए. WHO का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था 2014 से लेकर 2023 तक का, जिसके अंदर वो सपोर्ट करना चाह रहे थे डेवलपिंग पॉलिसीज को, डेवलपिंग कंट्री की जो पॉलिसीज है उनको, और स्ट्रेंथन कर रहे थे रोल ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन की, जो हम पहले यूज नहीं किया करते थे ट्रेडिशनल मेडिसिन, लाइक किसी उस चीज के अंदर यूज करके नेचुरल जो दवाइयां हुआ करती थी वो सब चीजें, एज पार्ट ऑफ देयर जर्नी ऑफ द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. ओके, हाँ बिल्कुल. वैसे भी आपको याद रखना है ट्रेडिशनल मीन्स द इंडिया, ठीक है, ट्रेडिशन से रिलेटेड बात आती ही इंडिया आपके सामने आ जाता है. चलिए, मूविंग टू नेक्स्ट वन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 243 के. ये क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल 243 के, क्या कहने की कोशिश कर रहा है? रीड इट अबाउट दैट. इट शैल कंसिस्ट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. कि क्या इसके अंदर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, दैट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. इट डील्स विद इलेक्शंस टू द पंचायत, कि क्या ये पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं उनसे डील करता है. स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक द ग्राउंड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट. ठीक है, सो आर्टिकल 243 क्या कहने कहा जा रहा है वो बताओ. 1 and 2, 20, 1 and 3, 1, 2, 3. बताइए जल्दी आर्टिकल 243 की. ये श्रेया, दैट आंसर वॉज इंडिया. इंडिया इज द राइट आंसर, बट अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर करो. आर्टिकल 243 आप कह रहे हो ए सी और डी. लेट्स चेक द राइट आंसर, दैट इज द डी वन. तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है सही है. स्टेट अभी गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे. कौन? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर डील करेगा पंचायत इलेक्शन से. स्टेट इलेक्शन कमीशन शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन द लाइक मैनर. जैसे हाई कोर्ट की जो जज है उनको रिमूव किया जाता है उनकी हाउस से, सिमिलर मैनर में तो हो जाएंगे क्या कहते हैं रिमूव, लेकिन उससे अलावा किसी भी दूसरे मैनर में वो रिमूव नहीं होंगे. एक्चुअली बात ये करते हैं,
ठीक है, सो पंचायत से रिलेटेड डील करता है वो चीज़ आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। इसमें सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल और प्रिपरेशन इलेक्टोरल रोल कंडक्ट इलेक्शन पंचायत वेस्टेड एवरीथिंग इज देयर, इसी के अंदर सब कुछ आर्टिकल 243 के अंदर आ जाता है। ओके चलिए मूविंग टू नेक्स्ट वन, मेरा राशन मोबाइल ऐप। अभी एक मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च हुई है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कि क्या ये कॉमर्स अफेयर जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा लॉन्च की गई है। एट द प्रेजेंट सिस्टम कवर्स नियरली 69 करोड़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिशियरी इन द कंट्री, कि क्या फिलहाल के लिए 69 करोड़ जो NFSA जो बेनिफिशरीज हैं उसको ये कवर कर रहा है। यू हैव टू टेल द इनकरेक्ट आंसर 1 and 2, 2 ओनली, 1 ओनली या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। जब आप लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो इसका सिंपली मीनिंग कि आपको उस न्यूज का पता है, आपको वो टॉपिक याद है, ठीक है, बट सिंपली आप ABC करके चले जाते हो तो वो चीज मतलब ना फायदेमंद नहीं होती। ठीक है, सो ये बताओ ये ऐप किसने लॉन्च की है। वाज द राइट इनकरेक्ट आंसर अबाउट इट। ओके एवरीवन इज सेइंग डी, शेयर योर आंसर। ओके डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। मेरा राशन जो मोबाइल ऐप है दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। NFSA जो बेनिफिशरीज हैं उनको इससे मदद मिली है, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है वो स्कीम इम्प्लीमेंट होगी बाय द फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो कि इसी में आते से। ठीक है, बेसिकली हुआ यही करता था, मान लो आपका आपका जो ये राशन कार्ड बना हुआ है हरियाणा का और आप जा रहे हो राजस्थान में स्टे करने के लिए, सो उसके लिए अगर आपको राशन चाहिए तो फिर से आपको हरियाणा में ही आना होता था। बट अब क्या हो रहा है कि अभी आप जहाँ पर भी जाओगे अपना राशन कार्ड दिखाओ, उस चीज़ पर दिखाओ, सो क्या कहते हैं राजस्थान में भी आप अपना राशन जो है वो ले सकते हो। फाइन, तो अब ये सिस्टम एक्चुअली हो गया है जो कि एक राशन कार्ड पूरे देश भर में चलेगा। नेक्स्ट आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेनिंगिटिस। मेनिंगिटिस क्या होता है भाई, व्हाट इट इज एक्चुअली। कोई बात नहीं अश्वनी, यू जस्ट टेक रेस्ट करिए, आप लोग आप रेस्ट करो। नेक्स्ट आता है आपके सामने, इट इज अ सीरियस इन्फेक्शन ऑफ द मेनिंगीज। ये जो मेनिंगीज होती हैं उसका सीरियस इन्फेक्शन होता है। द मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन और स्पाइनल कोड, और जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो कवर करती हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड। द बैक्टीरिया दैट कॉज मेनिंगीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन थ्रू ड्रॉपलेट ऑफ रेस्पिरेटरी और थ्रोट सीक्रेशन फ्रॉम द कैरियर। करेक्ट आंसर दीजिए 1 only, 1, 2, 2 only या फिर नन ऑफ द अबव। ओके हाँ, यू हैव टू टेल ना कि कौन सा करेक्ट आंसर है अबाउट इट, बताओ एवरीवन। देखकर ऑप्शन भी देखकर ध्यान से आंसर करना। डू लाइक द सेशन, लाइक जरूर करिए, जितना हो सके शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए आपके वन एंड ओनली चैनल को, दैट इज अ स्टडी आईएएस को जो है आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके एवरीवन सेज इज ए वन ओनली, ठीक है, एनी अदर। चलिए इस राइट आंसर इज बी, बोथ आर ट्रू इज द राइट आंसर। मेनिंगिटिस एक सीरियस इन्फेक्शन है मेनिंगीज का, जो कि मेम्ब्रेन्स इसकी ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों को कवर करती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दिस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन थ्रू द ड्रॉपलेट्स ऑफ रेस्पिरेटरी और थ्रोट सीक्रेशन फ्रॉम द कैरियर्स, ठीक है,
छींक खाते हुए या सांस लेते हुए किसी भी तरीके से जो मीन्स लाइक ट्रांसमिट हो सकता है वन टू द अनदर। मेनिंगिटिस बेल्ट जो अफ्रीका के अंदर है वो मोस्ट वल्नरेबल है इस तरीके की आउटब्रेक के लिए, लेकिन मेनिंगिटिस किल्स पीपल ऑफ ऑल एजेस इन ऑल कंट्री। ये बहुत ही खतरनाक वाली बात है कि सभी एजेस के जो पीपल है वो उसको मार देती है, किल्स कर देती है। डिजीज कैन बी कॉज बाय मेनी डिफरेंट पैथोजेंस इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंगाई और वायरस, बट द हाईएस्ट ग्लोबल बर्डन इज सीन विद द बैक्टीरियल मेनिंगिटिस। और ये मेनिंगिटिस है क्या, है क्या, दैट इज बैक्टीरिया। ओके, इट कैन कॉज बाय द बैक्टीरिया, फंगाई और वायरस, बट फिलहाल के लिए बैक्टीरिया जो है वो उभर कर आ रहे हैं। हाँ जी, सबके साथ में सोना जरूरी है, इट्स लाइक ना अभी बहुत खतरा वाली बात हो गई है। वेलकम दीपक। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से, अबाउट द मुडुमलाई नेशनल पार्क। इनकरेक्ट बताना है मुडुमलाई नेशनल पार्क से रिलेटेड। इट इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट नीलगिरी सब क्लस्टर, ऑल्सो अ डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व। ऑप्शन है वन ओनली, टू ओनली, बोथ या फिर नन। सो बताइए कि क्या सही आंसर है। What can be the right answer? मुडुमलाई नेशनल पार्क। और ये जो मुडुमलाई नेशनल पार्क है वो कौन से बायोस्फीयर का हिस्सा है वो भी आप बताओ। इट्स अ पार्ट ऑफ विच बायोस्फीयर रिजर्व, सी डी और ए। Any other? Everyone, just give the answer. Wrong, right? मैं देख लूंगी, आप लोग आंसर दीजिए। Okay, इस right answer is जी, दोनों सही है। मुडुमलाई नेशनल पार्क और वाइल्ड सेंचुरी। अभी हम हाँ, that's a part of नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अभी आप जो दूसरा करके आए थे उसी के ही नॉर्थ में ही पड़ता है मुडुमलाई वाला, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, डिक्लेयर हुआ था टाइगर रिजर्व भी, ऑन द वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ द नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु के अंदर लोकेट करता है। इस शेयर इस बाउंड्री विद कर्नाटक एंड द केरला, कर्नाटक और केरला के साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहा है, और प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर एंडेंजर और वल्नरेबल जैसे इंडियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, गोर और लेपर्ड जो है वो सब आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। सो अगर सबको चीजें क्लियर हैं तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कीजिए, हिट द लाइक बटन नाउ, हिट द लाइक बटन नाउ। ओके डन, मूविंग अहेड, इंपॉर्टेंट एंड यूनिक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट सेल नहीं है आपकी ह्यूमन बॉडी में। Not the largest cell, not the egg cell, bone cell, nerve cell, fat cell. तो बताइए कि कौन सा जो है सही होने वाला है। Largest नहीं है, egg cell, bone cell, nerve cell या fat cell. आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 1, 2, 1, 4 या फिर ऑल दी अबव। ए आप सेइंग 2, 3, 4। ओके, एनी अदर? एनी अदर, एनी अदर? ओके, इस राइट आंसर इज ए, बिल्कुल तीनों के तीनों नहीं है इसके अंदर। एंड जो एग सेल है वो सिर्फ लार्जेस्ट सेल है, सिर्फ वो लार्जेस्ट सेल है, बाकी ये नहीं है। दिस इज द लार्जेस्ट सेल, एग सेल, बाकी बोन सेल, नर्व सेल और फैट सेल जो है ये लार्जेस्ट नहीं है, ये छोटे हैं, स्मॉल में आते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। याद रहेंगी चीजें, एग सेल्स आर द लार्जेस्ट सेल्स इन द बॉडी। अ न्यू स्टडी डेसीपर ने शो किया है कि किस तरीके से ये जो सेल है वो ग्रो करते हैं इतने बड़े साइज तक।
नर्व सेल्स भी इन्हें बोलते हैं, कनेक्ट मीन्स लाइक नर्व सेल कनेक्टेड टू द ओप्टी डंप देयर कंटेंट इनटू द ओप्टी, ओप्टी मीन्स द एक्सेल, देयर बाय कॉजिंग इट टू द एक्सपैंड, और उसके बाद ये जो है सारे में एक्सपैंड कर दिए जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं. ओके सो ये है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. मूविंग अहेड, मूविंग अहेड, नेक्स्ट है आपके सामने. One can infer which of the following information from a population pyramid. जो population pyramid होता है उससे एक बंदा क्या information जो है वो collect कर सकता है. Gender composition based on age groups, distribution of various age groups in population, density of population, reproductive of capability and likelihood of the continuation of species. So पढ़िए and then answer करिए. Okay. Who is present in the class? Answer karo everyone. Population pyramid se related aapko jo information hai wo gather karni hai aur uske bare mein jo hai wo baat karna hai. कि क्या आपको इस पॉपुलेशन पिरामिड के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी. यू आर सेइंग डी 1 2 4. ओके एनी अदर 1 2 4. ठीक है कोई और बताओ जल्दी. चलिए लेट्स मूव ऑन द आंसर. इस राइट आंसर इज बी. जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है ना उसे आप एज जेंडर पिरामिड भी बोलते हो, जिसमें आपको एज भी दिखती है प्रॉपरली और जेंडर कौन है और किसने जेंडर के लोग कितने हैं कितने नहीं हैं वो भी आपको जो है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन हो जाती है. इट इज़ अ ग्राफिकल इलस्ट्रेशन जो कि शो करता है अलग अलग जो एज ग्रुप्स है पॉपुलेशन की उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो रहा है. ऑल्सो यूज इन इकोलॉजी टू डिटरमाइन द ओवर एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पॉपुलेशन, इंडिकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, लाइकलीहुड ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज. चलिए नेक्स्ट आता है द टर्म. क्लियर हो रही है चीजें? क्लियर हो रही है? द टर्म डेमोग्राफिक ट्रैप इज यूज्ड बाय द डेमोग्राफर टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से जो डेमोग्राफिक आपकी जो ट्रैप एक टर्म है जो डेमोग्राफर्स यूज करते हैं वो क्या शो करता है. सब रिप्लेसमेंट लेवल, फर्टिलिटी रेट, हाई फर्टिलिटी रेट, डिक्लाइनिंग मोर्टिलिटी या इंक्रीजिंग मोर्टिलिटी. क्या है ये सही जवाब बता दीजिए सही आंसर. डेमोग्राफिक ट्रैप जो वर्ड यूज होती है जो ये टर्म यूज होती है वो क्या शो करती है क्या दिखाती है. डी ओ सी 1 and 2 सब रिप्लेसमेंट लेवल, फर्टिलिटी रेट, हाई फर्टिलिटी रेट. ओके डन. सी ओ डी भी आप लोग कह रहे हो. चलिए इस राइट आंसर इज सी. सी इज द सही जो आपका सही सवाल है. डेमोग्राफिक जो ट्रैप है वो यूज किया जाता है डेमोग्राफर के द्वारा ताकि जो कम्बिनेशन है हाई फर्टिलिटी का मीन्स बर्थ रेट क्या है और डिक्लाइनिंग मोर्टिलिटी मतलब जो डेथ रेट क्या है उसका एक कम्बिनेशन जो है शो करता है. फाइन इन डेवलपिंग कंट्री रिजल्टिंग ए पीरियड ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. सब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी इन द डेमोग्राफी का मतलब होता है कि फर्टिलिटी रेट होना बिलो द रिप्लेसमेंट रेट दैट वुड कॉज द पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल टू डिक्रीज द ओवर अ टाइम. ओके सो ये है आपका क्वेश्चन. मूविंग अहेड नेक्स्ट आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट क्या कहना चाह रहे हैं. दे लिमिट द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर. कि क्या ये जो सरकार की अथॉरिटी है उसको थोड़ा लिमिट कर देती है उसको. गाइस इस क्वेश्चन से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो. इंफॉर्मेशन है ये कि एन अकेडमी पर हम एक क्लास ले रहे हैं जो कि आपकी प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लास होगी.
और जिसके अंदर हम बात करेंगे स्पेशली बैटल विद द एमसीक्यू। आप लोग ट्राई करोगे, बैटल करोगे एमसीक्यू के साथ, साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग दूसरे स्टूडेंट के साथ कम्पीट करेंगे, ठीक है। सो लाइव क्लास होगी 9 PM और जिसके अंदर हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है वो हम डे वाइज इंक्लूड करेंगे। आज के जो सब्जेक्ट रहेंगे वो आज से स्टार्ट हो रहा है ये इनिशिएटिव 9 PM मोनन अकेडमी। आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो होंगे आपके पॉलिटी के और मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है। तो ऐसे ही डेली 2 सब्जेक्ट चूज करेंगे और 10-10, 12-12 क्वेश्चन वहाँ से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट। They limit the authority of the government and arbitrary laws of the legislature. These are not absolute and can't be suspended. They secure vital political right to the citizens of India. ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, गलती होगी if you are doing wrong, so एक उसे आप learning की तरह लो कि आप सीख रहे हो, ठीक है। नॉट नॉट टू लूज द कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना है, ठीक है। सो जस्ट यू आर लर्निंग नाउ, अभी टाइम है 2-3 महीने हैं कि आपको दिखाने के लिए, बट नाउ इट्स अ लर्निंग टाइम, सो डोंट वरी, हो जाएगा क्लियर। इस बार आप मेंस में बैठेंगे ये सोच कर बैठो, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो गया है, ठीक है, यू विल बी प्रिपेयर फॉर द मेंस। चलिए, यू आर सेइंग बी इज द राइट आंसर, राइट। चलो इस राइट आंसर इज बी की जो आपका स्टेटमेंट है 1 in 3 इज द राइट आंसर, एब्सोल्यूट नहीं होते, कांट बी सस्पेंडेड, हो सकते हैं ना, आर्टिकल 21 को छोड़ के 20 और 21 को छोड़ के तो सब हो सकते हैं, सो वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। हाँ, लीव दैट पॉइंट। दे ऑपरेट एज अ लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इम्प्लाइज that they limit the authority of the government and arbitrary laws of the legislature. ये जो fundamental right होते हैं वो as a limitation जो है वो बना देते हैं किस पे, tyranny of executive implies कि वो authority government की मनमानी को थोड़ा कम कर देते हैं, parliament के कानून जो मनमाने कानून है उसको कम कर देते हैं। राइट सच एज इक्वेलिटी टू कंटेस्ट फॉर पॉलिटिकल ऑफिस, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन शो करता है पॉलिटिकल और सोशली इक्वेलिटी ऑफ सिटीजंस। फंडामेंटल एब्सोल्यूट नहीं होते, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन पे होती हैं, दे आर नॉट सैक्रोसेंक्ट एंड कैन बी कर्टेल्ड और रिपील बाय द पार्लियामेंट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एक्ट के थ्रू इसको जो है वो रिपील करा जा सकता है। नेक्स्ट आता है थांजावुर पेंटिंग। Consider the following statement about the Thanjavur painting. ये क्या है? It largely depict the social and economic life of common man. Largely depict करता है social और economic life जो common man की है वो. The paintings are notable for their adornment in the form of semi-precious stones and glass. इनका एक बताइएगा, 1 only, 2 only, both या फिर none. कौन सा सही जवाब होगा? जिसने अभी लाइक नहीं किया है, डू लाइक द सेशन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द 1 and only चैनल दैट इज स्टडी IAS। तो जल्दी करिए इसे। थांजावुर जो पेंटिंग है उससे रिलेटेड यू हैव टू टेल द राइट आंसर। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताओ। लार्जली डिपिक्ट करता है सोशल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कॉमन मैन, पेंटिंग्स इन द फॉर्म ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स और ग्लास। You are saying DBC, DBC. Common man का मतलब है कि normally हम लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, वो सब शो करना। ओके, सो राइट आंसर इज ए, 1 only, गलत है। थांजावुर पेंटिंग एक क्लासिकल साउथ इंडियन पेंटिंग स्टाइल है, साउथ इंडियन का पेंटिंग स्टाइल है ये। इनोग्रेट किया गया था फ्रॉम द टाउन ऑफ थांजावुर एंड द स्प्रेड अक्रॉस एडजॉइनिंग जियोग्राफिकल कॉन्टिगुअस तमिल की जो कंट्री है उस तरफ ही मूव ऑन हो गया था। मोस्टली गॉड और गॉडेस की जो प्रतिमा है या फिर जो उनकी स्टोरीज हैं वो इसमें रिप्रेजेंट की जाती है, क्योंकि ये जो आर्ट है वो फ्लारिश होती है एट ए टाइम व्हेन द फाइन लुकिंग एंड स्ट्राइकिंग जो टेम्पल्स हैं वर बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द रूलर ऑफ सेवरल डायनेस्टीज।
ठीक है. हाँ, द आर्ट फॉर्म ड्रॉज इट्स इमीडिएट रिसोर्सेज एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम द वे बैक 1600 AD, ए पीरियड व्हेन द नायकास ऑफ थांजावुर अंडर सुजेरिनिटी ऑफ द विजयनगर रायल्स जो है उसके द्वारा उसके अंदर जो रहकर ये बनी थी. फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय वैशिष्टिका सिस्टम ऑफ फिलोसफी आर एनकंपास्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. Which of the following? जो न्याय वैशेषिका है, एक फिलोसफी है, वो कौन कहाँ से इनका पास जो है वो हो रही है? मीमांसा स्कूल से, वेदांता स्कूल से, योगा स्कूल से, सामख्य स्कूल से. कहाँ से है ये चीज रिलेट कर रही है? रिलेटेड फ्रॉम वेयर? बताइए जल्दी. What can be the right answer? और जिसने अभी लाइक नहीं किया है, डू इट. श्रेया, आप रेगुलर हो क्या क्लासेस में? न्याय वैशेषिका सिस्टम ऑफ फिलोसफी, यू आर सेइंग ए. एनी अदर? एनी अदर? चलिए, सी और ए आप लोग कह रहे हो ना. लेट्स सी, ए इज द राइट आंसर. जो मीमांसा है वही स्कूल ऑफ फिलोसफी है जो कि न्याय वैशेषिका से रिलेट करता है. इट इज बेसिकली द एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ टेक्स्ट ऑफ द संहिता और ब्राह्मण जो पोर्शन है वेद का, उन सबको ये एक्सप्लेन जो है वो कर रहा है. मीमांसा फिलोसफी के तहत वेदास इटर्नल होते हैं और पजेस करते हैं हर तरीके का ज्ञान, और रिलीजियस का मतलब होता है फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज प्रेस्क्राइब बाय द वेदास. सो ये जो फिलॉसफी है वो इनकम्पास कर रही है न्याय वैशेषिका सिस्टम को, और वैलिड जो नॉलेज है उस पर भी ज्यादातर ध्यान ये देती है. क्लियर है? आपको इतना बनाना है, न्याय वैशेषिका जो फिलॉसफी है वो किसके द्वारा इनकम्पास की गई थी, किसके द्वारा प्रणालियों में शामिल है? मीमांसा में, वेदांता में, योगा में, या फिर आपका फोर्थ वन आ जाता है सामख्य में. सो राइट आंसर इज मीमांसा. सिंपल, मीमांसा के अंदर है, उसके अंदर बेसिकली पूरा प्रॉपरली एनालिसिस होता है, वेदास के बारे में लिखा हो गया. ठीक है, ओनली एनसीईआरटी से. इट क्वाइट टफ, थोड़ा टफ रहेगा, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ठीक है, सो वेलकम मुकेश. मुकेश, इज इट योर फर्स्ट क्लास? नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन. हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है वो क्या कहना चाह रहा है वो बताइए. इट वॉज इंस्क्राइब बाय द किंग खरावेला ड्यूरिंग द 2nd century BCE. इट वॉज रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज, ऑल्सो नोन एज द मस्की इंस्क्रिप्शन. सो डू द राइट आंसर. हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन क्या कहने की कोशिश कर रहा है? बी और सी. ओके डन. ओके ओके. सो श्रेया, कंटिन्यू कीजिए. हमें जस्ट यू कंटिन्यू अस एंड ऑन स्टडी आईएएस. स्टडी आईएएस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ओल वाले सेक्शन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हर क्लास की अपडेट हो जाए जो भी स्टडी आईएएस पर हो रही है, और आपके लिए बहुत सारी हो रही है. ठीक है, नहीं खरोस्टी नहीं है, प्राकृत ही है. बी इज, सी इज द राइट आंसर. तो प्राकृत जो लैंग्वेज वो सही है. दूसरी बात, आप अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो बाय माय नेम अंकिता जिंदल, वहां पर भी आपको मेरी प्रोफाइल जो है वो मिल जाएगी. फाइन, सो ये है हाथी गुम्फा, जिसे एलिफेंटा केव इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जो है वो जानते हैं. उदयगिरी जो खांडगिरी केव्स है ओडिशा के अंदर, वहां पर ये मिलती है. इंस्क्राइब बाय द किंग खरावेला, और खरावेला किंग कहाँ के है? कलिंग जो डायनेस्टी है तब से रिलेट करते हैं. कौन ये खरावेला? फाइन, इट कंसिस्ट ऑफ 79 इन प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो लिखा हुआ है. हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है वो एक मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कलिंग रूलर खरावेला के बारे में. नेक्स्ट आता है, हामस की रिवर है जो कि फ्लो करती है विलेज में से, और ट्रिब्यूटरी है किसकी? तुंगभद्रा की. साइट के माइनर रॉक एडिक्ट है एम्पायर अशोक. इट वाज द फर्स्ट एडिक्ट ऑफ एम्पायर अशोक, कंटेन द नेम अशोक इंस्टेड ऑफ देव नामप्रिया, और पियादसी जो है उसका नाम था.
नेक्स्ट आता है हांजी द स्कल्पचर ऑफ वराह और बोर इंकारनेशन ऑफ द विष्णु इज फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कि जो स्कल्पचर है वराह का बोर का वो आपको कहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है मनपेश्वर के नासिक के जूनागढ़ के उदयगिरी के व्हाट कैन बी द राइट आंसर बताइए व्हाट कैन बी द राइट आंसर डू लाइक द सेशन शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब द वन एंड ओनली चैनल दैट इज स्टडी आरियस मध्य प्रदेश वेरी गुड सो राइट आंसर इज उदयगिरी बिल्कुल सही है और ये आपकी ओडिशा वाली नहीं है मध्य प्रदेश वाली है तो वो याद रखना वेरी गुड विदिशा में उदयगिरी खांडगिरी इज लोकेटेड इन द विदिशा मध्य प्रदेश क्रिएट की गई है 5th सेंचुरी एडी में अंडर द पेट्रोनेज ऑफ चंद्रगुप्ता चंद्रगुप्ता टू इज फेमस फॉर इट्स न्यूमरस स्कल्पचर ऑन द हिल वॉल्स के लिए काफी फेमस जो था ठीक है सो विष्णु इज नॉट एबल सो क्वेश्चन क्लियर है सबको एवरी वन जस्ट टेल मी कि दैट एवरी थिंग इज क्लियर टू यू और नॉट हाँ दैट इज इन विदिशा बिल्कुल विदिशा इज लाइक प्रॉपर आंसर और एमपी के अंदर ये चीज आपको मिल जाते हैं फाइन नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है प्रेजिडेंट डीम्स इट प्रॉपर दैट सच लॉ इज नेसेसरी फॉर ऑल द स्टेट्स प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज इन ऑपरेशन लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप सो क्या सही जवाब है पढ़िए और जन आंसर करिए वन ओनली टू ओनली वन एंड थ्री या फिर ओला टू डू द राइट आंसर जल्दी बताओ स्टेट लिस्ट के कौन से सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है डी और बी ओके एनी अदर चलिए इस राइट आंसर इज बी ओनली एक तो ना पहली बात अगर नेशनल इमरजेंसी होती है सर नेसेसरी इन ऑल द स्टेट ऐसा कुछ हो तो ऐसा नहीं होता एंड प्रोक्लेमेशन अगर नेशनल इमरजेंसी की है तभी चीज लग जाती है और अगर या फिर स्टेट रिक्वेस्ट करे दो या दो से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट को कि उनके लिए आप कानून बनाओ तब भी ये चीज जो है वो हो जाती है और सिर्फ उन स्टेट पे अप्लाई होगी जिन स्टेट ने मतलब एक कहा था कि भाई आप हमारे लिए कानून बनाओ ये थे आप लोगों के क्वेश्चंस आई जस्ट होप कि आपको अच्छे लगे और समझ आए होंगे यू अंडरस्टैंड इट इन वेरी वेल मैनर स्कॉलरशिप टेस्ट इज गोइंग ऑन फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट जिसके अंदर आप 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस कर सकते हो डिटेल एनालिसिस मिलेगा आपको पार्टिसिपेट करना होगा हर कॉम्बेट में और जीत सकते हो आप 4 करोड़ की स्कॉलरशिप इस सब के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और कोड को यूज़ कीजिए स्टडी IAS दैट विल रियली हेल्प्स यू ओके सो ये है मेरी प्रोफाइल यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एंड जैसे ही आप अंकिता जिंदल सर्च करोगे यू गेट मी देयर और कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हो स्टडी IAS का और अनअकैडमी अंकिता जिंदल दोनों टेलीग्राम को फाइन जस्ट लाइक कीजिए सेशन को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स के साथ और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए साथ ही साथ बेल आइकन भी आप प्रेस जो है वो कर लीजिए फाइन सो लेट्स क्रैक इट थैंक यू सो मच आप लोगों की वजह से क्लास काफ़ी सुपर रही है एंड अभी से लाइक ज़रूर करके जाना शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी करना थैंक यू एवरीवन बी ऑन टाइम 9 AM थैंक यू